यमुनानगर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। साइकिल पर बैंक में कैश जमा करवाने जा रहे सिगरेट एजेंसी के कर्मचारी को नकाबपोश बदमाशों ने अपना निशाना बनाया। बैंक से चंद कदमों की दूरी पर 7 लाख कैश से भरा थैला लेकर फरार हो गए बदमाश। इस छीना झपटी के दौरान नीचे गिरने से कैश लेकर आए कर्मचारी की टांग पर चोट लग गई। कर्मचारी ने बहुत शोर मचाया और किसी बाइक से लिफ्ट लेकर उन बदमाशों का पीछा किया, लेकिन तब तक वो बदमाश फरार हो चुके थे। जी मैं कैश लेकर साइकिल से आ रहा था, साइकिल यहाँ खड़ी कर गई चिल्ला हाथ में, लेकिन जैसे ही सड़क पर पहुँचा दो लड़के आए, एक पैदल था, पैदल वाले ने मेरे हाथ से चिल्ला छीना, छीन के अपना उस दौरान मैं गिर गया। गिरने के बाद अपना जी चिल्ला छीन के मोटरसाइकिल बैठ गया और भाग गया जी। तो साथ कितना जी? 7 लाख के। कहाँ से आए थे और कहाँ जा रहे थे? ये देशों से आए, स्टेट में दुकान है जी, वहाँ से आ रहे थे और यहाँ HDFC बैंक जा रहा हूँ। किस चीज़ की पेमेंट दी है जो जमा करवाने आए थे आप? एजेंसी है जी PDO की हमारी, वहाँ काम करते हैं। जा रहा था मैं साइकिल से, गैस का चिल्ला उतार के सड़क तक पहुँचा, वहाँ पे तो दो लड़के आए, चिल्ला छीन के भाग गए। उसके बाद मैंने हल्ला गुल्ला करा, उसके पीछे भी गए, कुछ नहीं मिला। मैं खुद मोटरसाइकिल पे एक रिक्वेस्ट करके पीछे गया हूँ, तो अपने वहाँ कुछ नहीं मिला, फूल बैठे हुए थे। वहीं इस मामले की सूचना पर शहर यमुनानगर थाना पुलिस व CIA की टीमें घटनास्थल पर पहुंची। CTSHO सुखबीर सिंह ने बताया कि घटनास्थल और आसपास की दुकानों में लगे CCTV खंगाले जा रहे हैं। केस दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर्वेंट भेजा था पैसे जमा करवाने के लिए HDFC बैंक में, तो वो HDFC बैंक में अपने साइकिल पे पैसे जमा करवाने आया था। जब भी वो कर्मचारी बैंक के पास आया, उसने साइकिल खड़ी की, तो पैसे लेके बैंक की तरफ चला, तो उन लड़के आए और उसके हाथ में पैसे को थैला था, वो उसको स्मैश करके और भाग गया। उनके कहने अनुसार 7 लाख रुपया था, उसने 2 दिन के से बैंक बंद था, तो उन्होंने कैश जमा करवाना था। साइकिल पर आ रहा था कर्मचारी पैसे जमा करवाने के लिए बैंक में, तो बैंक के पास आके दो मोटरसाइकिल सवार लड़के आए, तो उन्होंने एक ने उनसे हाथ से थैला अपना खींच लिया और अपने मोटरसाइकिल पे सवार होकर भाग गए। जो सारे CCTV कैमरे लगे हुए हैं उनको सामने देख चेक किया जा रहा है और जल्दी इनकी तलाश करके गिरफ्तार किया जाए। अब देखना होगा कि कब तक लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों को पुलिस पकड़ पाती है। हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें सिटी लाइफ हरियाणा। फेसबुक पर भी हरियाणा की हर अपडेट के लिए सिटी लाइफ हरियाणा पेज को लाइक करें।